क्लिक करते ही आपके फ्री फायर गेम में लॉक सेट हो जाएगा। क्या आप भी अपने फ्री फायर गेम में लॉक लगाना चाहते हैं ताकि आपके बिना परमिशन के कोई भी फ्री फायर गेम को न यूज कर सके? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप आसानी से लॉक को सेट कर सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अपने फ्री फायर गेम में लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऊपर के तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आपको ये ऐप लॉक का ऑप्शन सेटिंग्स में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। सिंपल आपको खोज लेना है। आप चाहे तो इस सर्च सेटिंग्स पर क्लिक करके ऐप लॉक लिखकर सर्च कर सकते हैं। ऐप लॉक लिखकर सर्च करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बता दें, मेरा मोबाइल एमआई का है, इसलिए ये ऐप लॉक का ऑप्शन सिंपल सर्च में मिल गया। हो सकता है आपका मोबाइल किसी और कंपनी का हो तो ये ऑप्शन आपको कहीं और देखने को मिले, इसलिए आपको ऐप लॉक के ऑप्शन को खोज लेना है। उसके बाद सिंपल आपको इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद आपको इस टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करते ही यहां से आपको पैटर्न मांगा जाएगा। आप चाहे तो इस चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहां हम अपने गेम में पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं, तो चलिए यहां से हम अपने पैटर्न को डाल देते हैं। पैटर्न को डालने के बाद फिर से आपको सेम पैटर्न को डालना है जिस पैटर्न को आपने पहले डाला। दो बार सेम पैटर्न को डालने के बाद आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन सिलेक्ट मिलेगा। आपको यहाँ से सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट कर देना है, यानी टिक को हटा देना है। टिक को हटाने के बाद आपको नीचे यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यूज ऐप लॉक पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे आपके मोबाइल का सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें फ्री फायर गेम को खोज लेना है। उसके बाद सिंपल आपको उसके आगे स्विच का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस स्विच पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फ्री फायर गेम में लॉक सेट हो जाएगा।